बर्फ के पहाड़, बहुत दूर और बहुत ही सुंदर जगह है। What's up guys, welcome back to the channel। अभी टाइम हो रखा है शाम के 7:10 और आज का व्लॉग मतलब शाम को शुरू कर रहा हूँ लेट। वजह यह है कि कल सुबह मैं मेरी ट्रिप शुरू कर रहा हूँ फाइनली हिमाचल प्रदेश में डलहौजी के लिए। इस ट्रिप में हम तीन लोग जा रहे हैं, मैं, प्रियंका और प्रियंका का भाई है अंकित। सामान अभी ऊपर पैक हो रहा है सारा और पैक करके रात को ही गाड़ी में डाल दूंगा सब। कल सुबह हम निकलेंगे 5 बजे जल्दी, तो कल सुबह व्लॉग नहीं शुरू कर रहा, अभी शाम को इसलिए कर रहा हूँ ताकि सुबह हम लेट ना हो और राइट शार्प 5 बजे हम यहाँ से निकल जाएं। एक ही दिन में हम कोशिश करेंगे कि सुबह 5 बजे चल के हम करीब करीब 3, 3:30, 4 बजे तक डलहौजी में पहुँच जाएं। बुकिंग्स वगैरह ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं, देखते हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट है, इस साल की मेरी ये सेकंड ट्रिप है। इससे पहले इस साल जनवरी में मैं मनाली जाके आया था स्नोफॉल में, काफ़ी मज़ा आया था, तो उसका तो अलग मज़े होते हैं। अभी गर्मियों का टाइम है तो गर्मियों में अलग तरीके से देखेंगे कैसा वेदर रहता है। अभी यहाँ पे राजस्थान में वैसे ही 44 डिग्रीज टेम्परेचर है तो बहुत गर्मी बढ़ गई है, तो मन कर रहा है 2-4 दिन के लिए वेकेशन के लिए चले जाते हैं। तो 3 या 4 दिन के लिए जा रहे हैं और सामान अभी पैक हो रहा है, मतलब बिखरा पड़ा है सारा, अभी डालना बाकी है। और ये है मेरे टिम्बरलैंड के 6 इंचेस सिग्नेचर प्रीमियम बूट्स, वाटरप्रूफ हैं ये और ये ट्रैकिंग वगैरह में मेरे को काम आएंगे। इसका देखो टायर कितने शानदार है, टिम्बरलैंड की ब्रांडिंग है इस पर और ये बहुत ही शानदार जूते हैं। 2012 में लिए थे, लाइफ टाइम इनकी वारंटी है, कभी ख़राब नहीं होंगे। वैसे भी कम से कम 2-2.5 किलो के जूते हैं ये। तो सामान अभी पैक करके गाड़ी में डाल देंगे रात को ही। मैं मेरे साथ ले लिया है मेरा कैमरा सोनी ZV-1 और ये है मेरा ड्रोन। तो ड्रोन का ये फर्स्ट टाइम है, मतलब मैंने स्पेशल ड्रोन इसी लिया था कि ट्रैवल व्लॉग जब बनाऊँ तो अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स रिकॉर्ड करके देखूँ। तो फर्स्ट टाइम ये ट्रिप हो रही है ड्रोन के साथ में, तो देखेंगे पहाड़ों में कैसे उड़ता है, कैसे सीनिक व्यूज आते हैं और बाकी का व्लॉग बनाते हैं कल सुबह 5 बजे के बाद में। कौन सी चश्मा? हाँ वो अंदर ही है वॉलेट में। चलो सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हुआ है 5:30, निकलना हमको था 5 बजे लेकिन थोड़ा लेट हो गए, पर कोई बात नहीं अभी निकलते हैं बिना किसी देरी के। अभी जाएंगे, अगला स्टॉप ही अंकित को पिक करना है और उसको पिक करते ही से हम निकल जाएंगे आगे। बाहर का मौसम हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं मेरे को नीचे नीचे और हो सकता है रास्ते में हमको कहीं बारिश मिले। हमारी ट्रिप शुरू हो चुकी है डलहौजी के लिए हिमाचल प्रदेश। मेरे साथ हैं प्रियंका और अभी अंकित को पिक कर लेंगे थोड़ी देर में आगे यहीं पे 5 मिनट में। बता अभी अंकित तेरा पहला ट्रिप है क्या हिमाचल प्रदेश में? पहली बार हिमाचल जाऊंगा। तो ये गाइस अंकित है और कितना एक्साइटेड है भाई तू बता? तो याद रखेगा फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही गया था। ओके ठीक है, तो मैं अंकित और प्रियंका तीनों बैठ गए और फाइनली हमारी ट्रिप शुरू हो चुकी है डलहौजी के लिए। यहाँ से हमें लगेंगे करीब 10 घंटे, 5:30 बज गए हैं, तो अभी नेक्स्ट स्टॉप पे देखते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, खाना पीना हमने डाल लिया साथ में। मैं तो सुबह कुछ नहीं खाया, तूने खाया कुछ? बस बिस्किट खाए थे और अच्छा चलो ठीक है आगे रुक के फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। हमने पराठे वगैरह सब डाल लिया साथ में, पानी वगैरह सब कुछ घर से लेके चल रहे हैं। सनराइज हो चुका है मस्त वाला और हमारा सफर चले जा रहा है, चले जा रहा है, अभी चलेगा कम से कम शाम तक। कितने बजेंगे अपने? तो 4 बजेंगे मेरे ख्याल से, 4, 4:30 में भी रुकेंगे। कितना रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमको एक रास्ते बीच में रुकना भी था वहाँ पे। कौन सी जगह बताएंगे अंकित? हाँ बर्ड सेंचुरी है कोई रास्ते में, देखेंगे वहाँ पे भी रुकेंगे थोड़ी देर। ये कौन सी जगह है भैया? कौन सी जगह है? किशनपुरा, किशनपुरा पहुंच गए हम। फुल? हाँ फुल कर दो। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पंजाब में, किशनपुरा गांव बताया ये यहाँ पे। तो यहाँ पे गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप, तो डीजल डलवाया अभी 90 रुपये लीटर यहाँ पे। अपने यहाँ पे कितना है? 100 101 का ना? हाँ तो 31 लीटर डीजल आया है, अभी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सीधा हिमाचल प्रदेश में घुस जाएंगे। चलें 5 बजे निकलते तब भी ठीक था, अगर 5 बजे नहीं निकले तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लेट नहीं क्योंकि गूगल मैप्स के हिसाब से हम पहुंच जाएंगे 2:30 बजे और चारों तरफ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आज रेस्ट ही करेंगे होटल में जाके, बुकिंग वगैरह करा रखी है ऑलरेडी, कोई टेंशन है नहीं,
और अभी मॉनसून का सीजन है ना, दोनों साइड पूरे ग्रीनरी ग्रीनरी है, सूखा नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हरिके, हरिके हमने जस्ट क्रॉस किया शायद, और ये बहुत ही शानदार हाईवे, फोर लेन हाईवे हम चले हैं, तब से फोर लेन हाईवे है बठिंडा क्रॉस करने के बाद में, बठिंडा से शुरू हो गया था, बहुत ही बढ़िया सड़क है। और पीछे मेरे साइड बरसात होनी शुरू हो चुकी है, उस साइड दिख रहा है वहाँ पर बरसात हो रही है। अभी टाइम हो चुका है 9:10, और अभी ब्रेकफास्ट टाइम है, हम घर से कुछ खाना पैक करवा के ले आए थे, तो यहीं पर रास्ते में खड़े होकर साइड में खा रहे हैं। ये है लहसुन की चटनी और पराठे घर से बना लिए थे, और छाछ भी हमारे पास में। ठीक है, कैसा है प्रियंका? ज़बरदस्त। यहाँ पीछे हरिके गांव के पास में एक बड़ा सा मतलब दो नदियाँ हैं, सतलुज और ब्यास रिवर का संगम होता है, जो हमने मतलब देखा, कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत दूर था वो, तो हमने सोचा है जब वापस आएंगे हमारी ट्रिप से घर की तरफ तो जाके गांव के उधर साइड में जाके तो ड्रोन वगैरह उड़ा के देखेंगे कैसा लगता है। मतलब हमें तो बढ़िया लग रहा था देख के, कैमरा में रिकॉर्ड करके देखेंगे। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट, और 10 मिनट में यहाँ से निकलते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया अच्छे से, और वापस से धूप निकल चुकी है, बारिश का मौसम जो इधर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है, और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस हिसाब से मेरे को लगता है हम पहुँच जाएंगे 2:30 बजे, और हो सकता है उससे पहले पहुँच जाएँ। तो अभी यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन आएगा हमारे, जो सबसे बड़ा शहर है वो है अमृतसर, उसके बाईपास से क्रॉस करते हुए पठानकोट, पठानकोट क्रॉस करते ही पहाड़ शुरू हो जाएंगे, तो अगले 2 घंटे बाद में शायद हम पहाड़ों में घुस जाएँ, मे बी, देखते हैं। चलें, आ जाओ तुम। ओके जी, चलो अभी आगे रुकने की जरूरत तो नहीं है ना, देखेंगे कोई अच्छी जगह मिलेगी तो रुक जाएंगे 5 मिनट। मौसम बन रहा है वैसे, बरसात हो सकती है हमारे, शाम को डलहौजी पहुंचने से पहले बीच में एक बार बरसात मिल सकती है हमको। ऑल गुड, पेट भर गया तेरा? भर गया पेट? चल ठीक है, चलो। तो गाइस बरसात चालू हो चुकी है बढ़िया वाली, एक एक मूसलाधार बारिश। टाइम हो गया है 9:33, और विजन काफ़ी ब्लर हो रहा है, लेकिन मज़े आ रहे हैं। बस 370 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में अब मैंने कुछ आधे घंटे का सोचा एक ब्रेक ले लूँ। ब्रेक आ चुकी है कैप्टन की सीट पे, और सड़क वैसे ही अच्छी है, फोर लेन है। पठानकोट यहाँ से करीब करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, उसके बाद में फिर से चढ़ाई शुरू हो जाएगी, पठानकोट के 10-15 किलोमीटर बाद शायद मोस्ट लाइकली शुरू हो जाएगी, तो फिर से मैं गाड़ी ले लूँगा, फिर आगे मैं ड्राइव करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ 15-20-25 मिनट का एक पावर नैप ले लेता हूँ, सुबह का उठाऊँ 4:30 बजे का। सो गाइस हम प्रवेश कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, और एक सीनिक व्यू हमें मिला है रास्ते में, तो अंकित ने बोला 2 मिनट रोको तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या व्यू है। वो देखो अंकित, कौन सा डैम है ये? रंजीत सागर है। रंजीत सागर डैम है? रंजीत सागर, ये रंजीत सागर डैम बता रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी, किताबें काफ़ी पढ़ता अंकित। और नीचे देखो ये पानी एकदम सुंदर, ग्रीनरी ग्रीनरी है, और पानी नदी, ये नदी रावी नदी है ना? हाँ रावी नदी है, ये रावी नदी और ये रंजीत सागर डैम। मज़ा आ रहा ना? बढ़िया व्यू है। प्रियंका याद है देखो मनाली में जब हम गए थे तो सब सूखा सूखा था ठंड में, अब एकदम ग्रीन ग्रीन हो रखा है देखो, सारा बहुत ही सारा ग्रीन हो रखा है। तो यहाँ पे 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है, फ़ोटो वगैरह खिंचाई है, अब वापस निकलते हैं। यहाँ से है करीब करीब डलहौजी 65 किलोमीटर्स, और यूँ पहुँच जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं गाड़ी। गर्मी है बाहर अभी, इतनी कोई ठंड नहीं, अब तो ठंड मतलब ठंडी हवा नहीं चल रही, ठंड तो ऐसे क्या ही हो गर्मी का मौसम है।
डलहौजी वैली। सो गाइस ये हमारा होटल है और हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे फाइनली। बहुत देर लगी हमको ढूंढते ढूंढते, ये राइट साइड में डलहौजी वैली, इसके अंदर घुसा देनी गाड़ी, अंदर गाड़ी यहीं जाएगी क्या? पहुंच गए ठीक है, उतरे सामान तो क्या है वो बाद में ले लेंगे बड़ी। सो गाइस ये हमारा रूम है, तो ये छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ आपको। छोटा सा कमरा है, इधर बेड लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है शक्ल देखने के लिए, ये टीवी है, छोटा सा फ्रिज भी है और बालकनी, मतलब बालकनी तो नहीं है, कॉरिडोर है टाइप का पूरा इधर से इधर तक। और यहाँ पे कुछ बैठने के लिए जगह है थोड़ी बहुत, और ये माउंटेन का व्यू। थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, कमर वगैरह सीधी करते हैं, काफ़ी देर से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। प्रियंका ने बस 15 किलोमीटर चलाई, 15 या 20 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से रूम से व्यू अच्छा है और जगह भी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात जो मनाली में हमारे साथ हुआ था वो यहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा है कि भीड़ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, अभी टूरिज्म शुरू ही नहीं हुआ डलहौजी में। पूरे होटल में 2-3 लोग ही रह रहे हैं हमारे साथ, मतलब हमारा एक कमरा है, 2-3 कमरे और हैं, सारा पूरा होटल खुद के लिए होता है, थोड़ा अच्छा फील होता है, कहीं भी बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आराम से। पंखा चालू है तो सोच लो गर्मी किस लेवल की है, मतलब गर्मी नहीं है ठंड भी नहीं है, बस धीरे धीरे फैन चालू है। तो गाइस चेक इन कर लिया आराम से, अभी कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, लंच हमने ऑर्डर कर दिया है, खाना आएगा। उससे पहले एक बार यहाँ पे ड्रोन उड़ा के देख लेता हूँ पहले कि कैसा व्यू आ रहा है, और मेरे को पता लग जाए ड्रोन मेरा उड़ता है कि नहीं उड़ता यहाँ पे, क्योंकि 15 मीटर्स की हाइट की रिस्ट्रिक्शन है। तो ड्रोन उड़ाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बाहर बैठे खाना है, इधर अंदर बैठे खाना। अच्छा बाहर भी देख लेते हैं, हाँ बाहर देख लेता हूँ मैं, यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ बैठना, यहाँ बैठ सकते हो, छाँव इधर, यहाँ बैठ सकते हैं, कितना यहाँ बैठूँगा। अच्छा चलो ठीक है, बाहर नहीं बैठेंगे, रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, खाना देखेंगे थोड़ी देर में पता लग जाएगा, खाना भी अच्छा ही होएगा लग तो ही रहा है, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हमको। और बाहर से भी रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा व्यू है, हम यहाँ नीचे से आए हैं डलहौजी वैली, आई लव डलहौजी वैली। ठंडी चल रही हवा अभी, बिल्कुल धीरे धीरे ठंडी हवा। एक बार और आपको मैं रेस्टोरेंट की लुक दिखा देता हूँ वाइड एंगल से, पूरा कम्प्लीट दिख जाएगा, बढ़िया बना हुआ मतलब। सो गाइस अभी टाइम हुआ है 6:03 शाम के, और पावर नैप लेके 1.5 घंटे के हम सब फ्रेश फील कर रहे हैं। तो अभी हमने प्लान किया कि डलहौजी की मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए और आसपास क्या चीज़ें हैं, क्योंकि डलहौजी तो मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, प्रियंका भी और अंकित का तो फर्स्ट टाइम है ही, तो फटाफट चलते हैं बिना किसी देरी के। आई नो ऑलरेडी व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन ट्रैवल व्लॉग लंबे होते हैं, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं करूँगा, कवर नहीं करूँगा तो चीज़ें छूट जाएंगी। चलो बहुत ही पतली पतली ऊंची ऊंची चढ़ाई वाली सड़कें क्रॉस करके आए हैं अभी, और हमें पता नहीं हम कहाँ पे लाके पार्क करिए गाड़ी, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है यहाँ पे गाड़ी की, पीछे भी वैसे पार्किंग लिखा हुआ है, इसे हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी। और यहाँ पे ना सड़कें काफ़ी पतली हैं, एक मिनट बाइक जाने दो, सड़कें पतली हैं और गाड़ियाँ सब सड़कों के सड़ा सड़ाई खड़ी की। ये यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शानदार पार्किंग लॉट बनाया हुआ है ऊपर, और उधर व्यू पॉइंट भी है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई इधर, व्यू बढ़िया ना, शानदार व्यू है। होटल है ये, पार्किंग है स्पेशल, पार्किंग ही लगे मेरे को, स्पेशल पार्किंग लगेगी ना, गाड़ियाँ खड़ी है सिर्फ यहाँ पे। और यहाँ पे सामने बंदर आ चुके हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्रॉस करके जाऊँ कैसे, इधर ना आ जाए बस ये। प्रियंका
ये देख बंदर, बंदर है सामने, वो देख। तो अब यहाँ से हम वॉक करते करते ऊपर जा रहे हैं थोड़ा सा, सुभाष चौक जिसको हमने अभी क्रॉस कर दिया था, और क्योंकि वहाँ पे गाड़ी पार्क करने जगह नहीं थी, गाड़ी यहाँ पे नीचे आके पार्क कर दी अभी हमने, और वापस ऊपर जाके अभी सुभाष चौक पे देखते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत ज़रा भीड़ है, बाकी पूरा डलहौज़ी में कोई भीड़ नहीं, खाली पड़ा है मतलब, और वो भी वीकेंड पे, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, हम आगे अकेले अकेले आराम से घूम लेंगे। ये हम पहुँच चुके हैं सुभाष चौक में, ये रहे नेताजी की मूर्ति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक, और यहाँ पे मंकी देखो, कौन छीन लेगा, कौन छीन लेगा। हेलो फ्रेंड, हाँ भाई भाई साहब, ये खतरनाक चक्कर है इधर, फोन ले रही है ना, जिंदगी बर्बाद है मेरी। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पे व्यू है मेरे पीछे, और इस साइड बंदर, इस साइड है नेताजी खुद, अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ पे, सेल्फी पॉइंट है, और फोटो वोटो खिंचा सकते हो, लेकिन बंदरों से बच के रहना मतलब। अभी जो मैं इधर से क्रॉस कर रहा था, एक बंदर ने मेरे को ऐसे ऐसा करके मतलब डराया मेरे को, अभी मतलब बंदरों की आदत तुझे डराने की ऐसे, और हर जगह मास्क लगाया मैं, लेकिन जब फोटो खिंचाते वीडियो बनाते तो मैं मास्क उतार लेता हूँ। ये देखो काफ़ी क्लोज एनकाउंटर हुआ मंकी के साथ, इतना पास में मंकी कभी नहीं गया, यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये जो लेटर है ना, इसने मेरे को डराया था अभी दो मिनट पहले, ये देखो अभी भी कर रहा है उत्तरी। अभी हम जा रहे हैं अंकित की स्पेशल डिमांड पे सेंट जॉन्स चर्च, यहाँ पे थोड़ा ऊपर वॉक करके जा रहे हैं, 2 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अंकित का काफ़ी मन है, और अंकित बोल रहा है कि शायद वो खुली हो, गूगल पे उसने चेक किया है, अगर खुली होगी तो अंदर जाके भी देख लेंगे, बाकी मेरे को लगता नहीं खुली होगी, कोविड के चक्कर में सारी चर्चेस बंद है, तो हम तो वैसे गलियों में घूम रहे हैं इधर से उधर डलहौज़ी के, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, मज़ा आ गया मतलब, सही में पैसा वसूल है फुल ट्रिप, क्यों जब ट्रैफिक ना हो और बाकी के पर्यटक लोग कम हो तो आपको ऐसे मतलब पूरी जगह आपको खुद को मिल जाती है। और अभी आपको मैं फोकस करके दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर माउंटेन्स, एक साइड से धूप और इधर माउंटेन्स की रेंज सामने, बहुत ही सुंदर सनसेट पॉइंट है, लेकिन धूप बहुत तेज है, मज़ा आ गया, बढ़िया हाँ, कितना अच्छा लगा है, शानदार व्यू यहाँ से देखिए। बर्फ के पहाड़ सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर है, ग्रीनरी इतनी ज्यादा अच्छी है ना, और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू, ये देखो, ये देखो गाइस, इससे सुंदर व्यू नहीं मिलेगा डलहौज़ी में, ब्यूटीफुल, और ये बर्फ की पहाड़, आ गया मजा यार, बादलों में तो है पहाड़ सारे, हाँ बादलों में है ना, बादल और पहाड़ सब बीच में आ गए, कैसे लगा, बढ़िया अल्टीमेट है, जोरदार जगह है, और नीचे पूरी वैली दिख रही है यहाँ से, और ये पब्लिक के बैठने के लिए, शाम को ताश वगैरह खेलने के लिए, जैसे गाँव में था हमारे राजस्थान में, छोटा सा बनाया हुआ है झोंपड़ी से, चलो चलो हाँ, सनसेट भी देखना है शाम को उधर, एक्चुअली हम लेट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सनसेट व्यू पॉइंट के लिए, तो अंकित बहुत जल्दबाजी कर रहा है, और अंकित की जो फेवरेट जगह है वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे, तो अंकित हमको लीड कर रहा है अभी। ये है गांधी चौक, वो गांधी जी की मूर्ति, बहुत भीड़ है इधर, ये यहाँ का फूड कॉर्नर है पूरा, ऊपर से लगी तक भीड़ देखो, गुलाब जामुन, हलवा, बर्गर, सब कुछ इधर, फास्ट फूड कॉर्नर है इधर, यहीं खा लेते हैं बर्गर वगैरह पहंगा, है ना, चलो हमारा आलू टिक्की बर्गर तैयार हो रहा है, ये बर्गर इधर, लोग इधर खा रहे हैं, अंदर कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं, सब लोग स्ट्रीट फूड, ये देख के ही मन कर रहा है कि ट्राई करना, यार कितना जबरदस्त लग रहा है देख के, आगे बता कैसे, ठीक है स्पून से खाने वाला है यार। और ये चर्च जो कि गेट खुला है लेकिन अंदर से बंद है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया,
कल खुलेगा 3 बजे ये इसके खुलने और बंद होने का टाइम है। समर में 3 बजे शाम को, सर्दियों में भी 3 बजे शाम को, संडे को सिर्फ। अंदर चलते हैं। ये है ब्यूटीफुल चर्च, ग्रीन ग्रीन सब चारों ओर और बीच में चर्च। सब लोग यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाते हैं, अगर हमको चांस मिलेगा तो हम भी खिंचा लेंगे। तो ये सेंट जॉन्स चर्च है, वैसे तो बंदे अंदर नहीं जा पाएंगे कोरोना के चक्कर में, बाकी बाहर से देख लो एक बारी, पीछे से दिखा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं फोटो वोटो खिंचा रहे, इधर सुंदर बनी हुई है, लेकिन बिल्डिंग अच्छी है, अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई है, पुराना बिल्डिंग है तो देख के अच्छा लगता है। चलें क्या? प्रेगा चलें। बाहर बहुत सारा चिकन बन रहा है, लेकिन हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, हम शाकाहारी लोग हैं, मांस मछली हम नहीं खाते। और हर जगह बंदर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अंकित की डिमांड पूरी हो गई है, अभी प्रियंका की डिमांड पूरी करने के लिए हम जा रहे हैं इंडो तिब्बतन मार्केट है, यहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा वो भी देख आते हैं पास में, नहीं तो स्पेशल दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि प्रियंका को वहाँ पे जाना है शॉपिंग करने के लिए। तो चलते हैं वहाँ पे सीधा, अभी ये सामने ही है बस, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है इंडो तिब्बतन मार्केट, पता नहीं कोरोना के चक्कर में बंद है या खुला है। ये देखिए यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, फुल कोरोना बढ़ रहा है यहाँ पे, भीड़ बहुत ज़्यादा है, मैं कहता हूँ निकलते हैं यहाँ से। पतली पतली भीड़ी भीड़ी गलियाँ हैं यहाँ पे। ये है इंडो तिब्बत मार्केट, यहाँ बैठे बैठे आपको वीडियो में दिखा दूँगा, आने की ज़रूरत नहीं अंदर। जगह तो बस नाम की है, शोर शराबा है बस, ये ले लो वो ले लो, जगह तो नाम की है बस, दोनों साइड दुकानें हैं। इधर से बाहर निकल गया हम वापस सीधा पहाड़ों में, सनसेट तो गया तेरा, क्यों सनसेट तो हो गया। तो अंकित और मैं तो यहाँ पे आगे बैठ गए इंडो तिब्बतन मार्केट के एकदम दूसरे साइड में, पूरा क्रॉस करके आ चुके हैं टनल को, बहुत भीड़ है। और शॉपिंग करने के लिए, जिनको शॉपिंग करनी है उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है वैसे, जिनको नहीं करनी वो तो मत जाओ, यहाँ पे कोई देखने वाली चीज़ नहीं है। और मेरे ख्याल से आज का व्लॉग भी मैं इधर ही बाहर ही बैठ के एंड करता हूँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब हम यहाँ से घूम लिए मतलब मोटा मोटा, तो सारे व्यू पॉइंट देख लिए, ये मार्केट देख ली, गांधी चौक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो स्टैचू देख लिया, अब और कुछ ज़्यादा तो बचा नहीं है डलहौज़ी में। कल का प्लान कल सुबह बताएंगे, आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। व्लॉग लंबे आएंगे, अभी अगले 4-5 व्लॉग जो हैं ट्रैवल व्लॉग लंबे आएंगे, बाय बाय।